अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 30 मार्च को प्रांतीय कार्य समिति की बैठक शिमला में हुई थी, जिसमें पिछले 3 माह के कार्यक्रमों व गतिविधियों की समीक्षा की तथा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई। विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्रदेश में रूसा के तहत सेमेस्टर प्रणाली को हटाया जाए, वार्षिक प्रणाली को जून माह से शुरू होने वाले सत्र से लागू किया जाए। प्रांत कार्य समिति के सदस्य पंकज कुमार, जिला संयोजक सचिन लगवाल तथा जिला छात्रा प्रमुख अंकिता ठाकुर ने छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग की है। महाविद्यालय में प्रदेश सरकार व विश्वविद्यालय फीस वृद्धि को वापस लिया जाए। आगामी कार्यक्रमों की सूचना देते हुए कहा कि 5 अप्रैल को उपायुक्त के माध्यम से विद्यार्थी परिषद प्रदेश में सामाजिक अनुभूति कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक अनुभूति कार्यक्रम का शुभारंभ जिला हमीरपुर में नदौन, जानपुर तथा संधोल कॉलेज में शुरू किया गया है। भाजपा के अभी सत्ता में आई है, इसने जब सत्ता में आने के लिए जो भी हमारे छात्र हैं उनके साथ एक वायदा करा था कि हम आते ही रूसा सिस्टम को बंद कर देंगे, लेकिन जैसे ही सरकार सत्ता में आई उसके बाद इनका रूसा के प्रति इनका रुख साफ नहीं हो पाया है। ये बोल रहे हैं कि हम इसमें कमियां हैं उनको दूर करेंगे, लेकिन विद्यार्थी परिषद शुरू से ये मांग रही है कि रूसा के अंडर जो एक सेमेस्टर सिस्टम है उसको बंद किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ने के अलावा पढ़ने के लिए उनको पूरा समय नहीं मिल पाता। हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों को खेल कूद के लिए तथा और अन्य एक्टिविटीज के लिए समय मिले, तो हम 5 तारीख को डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और एक ज्ञापन डीसी जी को सौंपने जा रहे हैं। तो एक्चुअली ये विद्यार्थी परिषद ने शुरू से ही एक बात रखी है, हमारी छात्र प्रदेश रैली में भी ये मांग रही थी कि जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, जो छात्र संघ चुनाव जो कि कॉलेज में चुनाव होते हैं, जो विगत जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने बंद कर दिए, हम चाहते हैं कि जो अभी भाजपा की सरकार आई है ये जल्दी से जल्दी चुनावों को बहाल करे, ताकि छात्र जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं वो अपना जो छात्र नेता वो खुद चुन पाए, और ताकि वो छात्र नेता उनकी समस्याएं सरकार के सामने रखे। खिलाफ अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, जैसे कि हमने पहले ही एक बड़े बड़े आंदोलन हम करते आए हैं, चाहे वो जिला स्तर पे हो, हमने प्रदेश स्तर पे भी इतनी बड़ी रैली करी है जो हिमाचल प्रदेश की आगे सबसे बड़ी रैली, हम इसके लिए आगे भी आंदोलनात्मक तथा कोई भी ऐसे काम करते रहेंगे कि ये जो जल्दी से जल्दी ये जो गंदा सिस्टम हमारा ये जो एक कीड़े की तरह हमारी शिक्षा को या फिर हिमाचल प्रदेश में जो अच्छी शिक्षा थी उसको बिल्कुल ही नकारात्मक कर दिया, इसको मतलब जल्दी से जल्दी खत्म करें, इसके लिए हम कुछ ना कुछ आंदोलनात्मक गतिविधि करेंगे।